हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम बनाएंगे पाइनएप्पल केक, वो भी कस्टमाइज थीम पे। मैं आपको आज स्टार्टिंग से बताऊंगी, जैसे कि कस्टमर ने हमें डिमांड किया था कि हमें बिल्कुल बाहर बेकरी जैसा टेस्ट चाहिए, तो मैं प्रीमिक्स और स्क्रैच दोनों से ही बनाती हूँ। तो बाहर की बेकरी जैसा टेस्ट के लिए तो प्रीमिक्स यूज़ होते हैं, तो मैंने भी प्रीमिक्स का आज यूज़ किया। देन मैंने उसमें ऑयल एंड वाटर एज़ पर द क्वान्टिटी डाला था, एंड मैंने थोड़ा सा पाइनएप्पल इमल्शन यूज़ किया था जस्ट फॉर अ टेस्ट एंड कलर। सो मैंने 5 इंच के टिन पे अपने बैटर को डाल के देन मैंने अपने OTG पे डाल दिया। मेरा OTG 200 डिग्री पे प्री हीट पे मैंने उसको रखा हुआ था। देन मैंने 30 मिनट्स का टाइमर लगाया, बोथ रॉड्स ऑन करी, एंड मैंने केक को बेक करा है 150 डिग्री पे। 150 से 180 डिग्री स्टैंडर्ड डिग्रीज होती है जिस पे आप अपना केक बेक कर सकते हो। देन मैंने केक को अपना डीमोल्ड कर दिया, वो बहुत ही सॉफ्ट बना है, बहुत ही स्पॉन्जी बना है। देन मैंने इसको 3 लेयर्स में हमने केक को कट करना है, जैसे कि मैंने इस पर कर दिया है। मैंने केक को ज़्यादा टाइम नहीं दिया था, इस वजह से क्रम्स बहुत निकल रहे थे। देन हमें फर्स्ट लेयरिंग करनी। फर्स्ट लेयरिंग में हमने जो है अपना फर्स्ट लेयर काट के देन उसमें क्रीम लगा लिया है कस्ट, और देन मैंने इसमें यूज़ किया है क्रश। कस्टमर को टिडबिट्स पाइनएप्पल के वो नहीं चाहिए थे, क्योंकि बच्चे हैं उनके यहाँ और उन्हें पसंद नहीं आते हैं पाइनएप्पल फ्रूट्स। तो मैंने पाइनएप्पल स्लाइस की जगह, फ्रूट्स की जगह मैंने वाइट चॉकलेट चिप डाल दी थी। आप वो भी यूज़ कर सकते हो, इट टोटली डिपेंड ऑन द टेस्ट ही कस्टमर क्या आपसे डिमांड कर रहा है। मैंने वैसे सभी केक्स में पाइनएप्पल टिडबिट का यूज़ किया है, बट इस पे मैंने वाइट चॉको चिप यूज़ की है जो कि कस्टमर को नहीं चाहिए थी पाइनएप्पल, इस वजह से। देन ये लास्ट लेयर हमने लगा ली, और हमें बहुत अच्छे से क्रम कोट कर लेना है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, क्रम कोट करके केक को ठंडा करना बहुत ज़रूरी है। एक तो मौसम भी ऐसा हो गया है कि केक को हमें टाइम देना पड़ेगा। हमने इसको अच्छे से क्रम कोट कर लिया है स्क्रैपर का यूज़ करके, और देन हमने अपने फ्रिज में रख देना है। देन हम यूज़, जैसे कि मैंने बताया था कस्टमाइज केक है, तो हमें फॉन्डेंट वर्क करना होगा। फॉन्डेंट वर्क के लिए, जैसे कि कस्टमर ने हमें बुक्स रखने को बोला है, लाइक जिनका केक बन रहा है वो एक ऑफिस में जॉब करते हैं, तो उन्होंने मुझे कहा था कि आपको बुक्स बनानी है, देन आपको कंप्यूटर या लैपटॉप बनाना है, मोबाइल बनाना है। तो मैंने ये रेड कलर का लाइक बुक ले लिया है, उसका कवर मैंने रेड रखा है फॉन्ड, और देन मैंने ये वाइट कलर के फॉन्डेंट से उसके पेजेस का टेक्सचर दिया है। उसको अच्छे से कटर से हम लोग कट करके एक बुक का शेप देंगे, और इसको हमें टाइम भी देना होता है। यहाँ पे हमने वाटर का यूज़ करेंगे इसको लाइक अपनी जगह से ना हिले और पेस्ट करने के लिए। मैं वाटर का ही यूज़ करती हूँ, आप कुछ भी, या आप चॉकलेट्स भी लगा सकते हो। ये देखिए हमारी बुक रेडी हो गई है रेड कलर में, और ऐसे ही हम एक बुक रेडी करेंगे फॉर अ ब्लू कलर। मेरा फॉन्डेंट थोड़ा टाइट हो गया था बाहर रखे रखे, हमें यहाँ पे भी बुक बनानी है ब्लू कलर की। उसके लिए हम लोग पहले अपने कटर से उसको अच्छे से शेप दे देंगे, जो भी एक्स्ट्रा है निकाल देंगे। बुक के जो पेजेस थे वो मैंने पहले से ही कट करके रखे हुए थे। फॉरन का काम करना मुझे पर्सनली बहुत पसंद आता है। आप अगर आपका जैसे कि परफेक्ट नहीं हुआ फॉरन वर्क में, तो जो बच्चों के क्ले आते हैं आप उससे चीज़ें बना के प्रैक्टिस कर सकते हो, बट पर्सनली मुझे फॉन्डेंट में बहुत मज़ा आता है। हाँ, थोड़ा ट्रिकी होता है, टफ होता है, लाइक फॉन्डेंट्स के मिनिएचर्स बना के आपको उसको प्रॉपर एक जगह पे रखना होता है जहाँ पे मॉइस्चर ना आए। मैं तो एयर टाइट कंटेनर में भी रख देती हूँ। देन मैंने ये लैपटॉप के लिए पहले से ही कट करके रखे थे, क्योंकि हमें स्टैंडिंग में स्क्रीन चाहिए थी, उसी जैसे मैंने इसको कट करके प्रॉपर शेप दे दिया था कि जिससे हमारा ये ड्राई हो जाए और हम ये पेस्ट कर ले। देन मैं ये कीबोर्ड के बटन्स का टेक्सचर दे रही थी नाइफ से। तो ये हमारा लैपटॉप भी रेडी हो गया है, तब तक हमने अपना केक ठंडा करने को रख दिया था। देन केक जो है वो ऑरेंज और येलो में चाहिए था, तो ऑरेंज कलर हमारे पास अवेलेबल नहीं था, तो हमने पीच कलर ले लिया था। तो हमने ये पाइपिंग बैग से अपने क्रीम को अच्छे से कर लिया है, और देन हम अगेन
नाइफ से उसको अच्छा सा स्मूथ टेक्सचर दे देंगे। मेक श्योर लाइक क्रीम भी, केक हमारा ठंडा होना चाहिए तभी हमारा जो है स्मूथनेस आती है, फिनिशिंग हमारी अच्छी होती है, जैसे कि मैं यहाँ पे कोशिश कर रही हूँ देने के लिए। सो मैंने आपको जैसा कि पहले बताया था, उन्हें ऑरेंज कलर चाहिए था तो हमारे पास ऑरेंज कलर अवेलेबल नहीं था, तो मैंने पीच कलर को ही नाइफ़ में लगा के देन हल्का सा शेडेड दे दिया है, जिससे वो कलर थोड़ा सा डार्क लगे। कलर मैं हमेशा जेल कलर यूज़ करती हूँ, लिक्विड कलर्स भी आते हैं बट मैं यूज़ नहीं करती हूँ। देन मैंने ये ब्रश में भी लिक्विड पीच कलर लगा के ऊपर उसको टेक्सचर दे दिया था, ये देखिए टेक्सचर। टेक्सचर देने के बाद मैंने केक को ठंडा करने के लिए फ्रिज में रख दिया था। मेक श्योर हम जब भी क्रीम केक पे फॉन्डेंट लगाएं, हमारा केक ठंडा होना चाहिए, इससे फॉन्डेंट जो है केक से खिसकेगा नहीं। खड़ा लाइक स्क्रीन को खड़ा करने के लिए मैंने उस पर वाइट चॉकलेट का यूज़ किया था स्टिक पे। देन ये मोबाइल, देन ये बुक, यहाँ पे कॉइन्स लगने थे, कॉइन्स मार्केट में अवेलेबल नहीं थे तो मैंने हर्शीज से किसेस चॉकलेट लगा दी थी। एंड ये 2000 के एडिबल नोट्स आते हैं, ये दीज आर वेफर्स, तो मैंने उसका यूज़ कर लिया था। नोट्स को आप फॉन्डेंट पे भी पेस्ट करके रख सकते हो बट मैंने इसमें नहीं, क्योंकि केक हमारा हाफ के जी का है, वो भारी हो सकता था। बाद में मैं सोस बॉस लगाने के बाद फाइनल लुक ऑफ माई केक इज हियर। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो में लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।